हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यहां पर तीन बहुत बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। जहां सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 के जो भी विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए तीन बहुत बड़ी अपडेट आई और अपडेट दिया है सीबीएसई के नए अध्यक्ष ने। और आते ही सीबीएसई के नए अध्यक्ष ने जो तेज गति से काम करना शुरू कर दिया है। तो तीन अपडेट मैं आप सभी बताने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पर लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, बात करते हो तीन इम्पोर्टेंट अपडेट क्या। तो सबसे पहली अपडेट जो उन्होंने दी है दोस्तों, वह है रिजल्ट को लेकर। जी हाँ, क्लास 10 और क्लास 12 का जो रिजल्ट है उसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट वहां पर दी है उन्होंने। उन्होंने कहा कि जो रिजल्ट है वो कब आएगा, जुलाई के फर्स्ट वीक में। जी हाँ, जुलाई के फर्स्ट वीक या जून के अंतिम सप्ताह में आप सभी का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। बट अभी तक इसको लेकर उन्होंने फाइनल कमिटमेंट नहीं किया है। दूसरा अपडेट अगर हम बात करें तो कॉपी चेक करने की जो प्रक्रिया है वो तेज गति से कर दी गई। पहले जो कॉपियां चेक होती थी, एक टीचर को एक दिन में कितनी कॉपी चेक करनी पड़ती थी, तो पहले 22 आंसर शीट जो है एक टीचर को एक दिन में चेक करनी पड़ती थी। बट अब जो है दुगुनी रफ्तार से इसको बढ़ा दिया गया है। अब एक जो टीचर है वो 35 आंसर शीट जो है डेली चेक करेगा, ताकि आप सभी का जो रिजल्ट है वो जुलाई के फर्स्ट वीक या जुलाई के अंदर ही जारी कर दिया जाए, जिससे आपके एडमिशन की जो प्रक्रिया बाधित ना हो। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा अपडेट बहुत बड़ा उन्होंने दिया है। तीसरा जो सबसे बड़ा अपडेट हुआ है दोस्तों, वेटेज को लेकर। जी हाँ, हालांकि सीबीएसई ने भी फाइनल नहीं बताया कि फर्स्ट टर्म का वेटेज कितना आएगा, सेकेंड टर्म एग्जाम कितना वेटेज होगा। उन्होंने कहा कि एक बार सेकेंड टर्म एग्जाम समाप्त हो जाए उसके बाद जो है वेटेज के बारे में बात की जाएगी, यानी वेटेज के लेकर भी कुछ अपडेट आ सकता है जल्दी। जैसे आप सभी को पता है क्लास 10 का जो एग्जाम है वो 24 मई को समाप्त हो रहा है और क्लास 12th जो है 15 जून को। तो ऐसे में 10th का रिजल्ट जो है जून के अंतिम सप्ताह में भी आ सकता है और 12th का जो रिजल्ट है जुलाई के पहले वीक में, या हो सकता है दोनों को जुलाई के फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाए। इस पर सीबीएसई लगातार तेज गति से काम करेगी, क्योंकि उनका मानना है कि 11वीं क्लास का जो वो है शेड्यूल वो खराब ना हो। तो ऐसे में रिजल्ट जल्दी ही जारी किए जाएंगे, तेज गति से काम किया जा रहा है दोस्तों। तो ये तीन बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए, सोचा आप सभी को बता दूं। इस वीडियो में बस इतना दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।